हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली मार्केट अपडेट में। 18 नवंबर 2020 को मार्केट की समाप्ति के बाद हम निफ्टी के ऊपर में डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संभावित रेंज क्या रह सकती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ओवरऑल मार्केट का अवलोकन करते हैं कि 18 नवंबर 2020 के ट्रेडिंग सेशन के दौरान ओवरऑल मार्केट ने परफॉर्मेंस कैसा दर्शाया है। तो निफ्टी 50 जो बेंचमार्क इंडेक्स है दोस्तों, वो ग्रीन में क्लोज हुआ और ये क्लोज 0.5% ये ऊपर बंद हुआ दोस्तों। अब इसके 50 स्टॉक्स को हम देखें तो 26 स्टॉक्स ग्रीन में है, जबकि 24 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए। अगर हम निफ्टी जूनियर की बात करें दोस्तों, तो ये इंडेक्स भी मार्जिनली 0.34% ऊपर बंद हुआ, ग्रीन में क्लोज हुआ, और इसके 29 स्टॉक्स 50 में से ग्रीन में है एंड 21 स्टॉक्स रेड में है दोस्तों। अब दोस्तों, मिड कैप को देखें अगर, तो निफ्टी मिड कैप 50 में 1.69% की बढ़ोतरी दर्ज की, तो इसने क्लियर कट तरीके से आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्स को और निफ्टी जूनियर को। और इसके 37 स्टॉक्स ग्रीन में है, जबकि 13 स्टॉक्स है जो रेड में क्लोज हुए दोस्तों। अब स्मॉल कैप को देखें, निफ्टी स्मॉल कैप 50 को, तो इस इंडेक्स ने मोर लेस बेंचमार्क इंडेक्स के ही तरह परफॉर्म किया है और ये इंडेक्स 0.48% से ग्रीन में क्लोज हुआ। इसके 32 स्टॉक्स 50 में से ग्रीन में रहे और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे वो 18 थे जो रेड में क्लोज हुए। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्राइस चार्ट की तरफ और मार्केट के प्राइस एक्शन एनालिसिस से समझते हैं कि मार्केट में कहां पर डिमांड एंड सप्लाई जोन निकल के आ रहे हैं। हमें दिमाग में ये रखना है दोस्तों कि कल जब मार्केट खुलेगा तो कल ऑप्शन चेन के वीकली कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी का दिन भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम पे स्पॉट मार्केट में आप प्राइस चार्ट को देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर दोस्तों। आज निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई वो 12,938.25 पर हुई दोस्तों। कल याद होगा आपको कि 12,900 से 13,000 का जो बैंड है उसे सप्लाई बैंड के रूप में दर्शाया गया था और अब फिलहाल प्राइस दोस्तों वो सप्लाई बैंड में आज क्लोजिंग हुई है उसकी। लेकिन दोस्तों, अगर इसको ध्यान से प्राइस चार्ट को देखें और ये पिछले फॉर्मेशंस को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आज के वीडियो के थंबनेल में मैंने एक कॉशन का साइन लगाया है, चेतावनी का साइन लगाया है, उसे मार्केट की साइकोलॉजी को समझना अत्यंत आवश्यक है। निफ्टी क्या करेगा उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे दर्शक एकेडमिक इंटरेस्ट से इसे देखने की कोशिश करें, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और अंत तक देखिएगा दोस्तों इसे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 14 नवंबर को हम देखते हैं जो दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन था। उस दिन दोस्तों गैप अप मार्केट ओपन होता है और सेलिंग प्रेशर आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे दोस्तों जो ट्रेडिंग सेशन था 17 नवंबर को, यानी कल भी वैसे ही उसने साइन दिखाया, गैप अप ओपनिंग हुई। और आज की कैंडल को ध्यान से अगर देखें तो आज की कैंडल बुलिश है और अच्छी खासी बुलिश नजर आ रही है। कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसमें बाइंग आती हुई नजर आती है। अब दोस्तों, कल की कैंडल की ओपनिंग को अगर हम देखें तो वो है 12,932 और आज की कैंडल की क्लोजिंग है 12,938। समझ में आया दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों कैंडल को कंबाइन करें तो पूरा सिनेरियो मार्केट को बुलिश नहीं बेरिश के रूप में नजर आएगा। इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट मार्कअप फेज में है तो कोई डाउन ट्रेंड की शुरुआत होनी है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, करेक्शन ड्यू है,
सप्लाई जोन में ऑलरेडी प्राइस ट्रेड हो रही है, और इन सारे कैंडल को अगर इमेजिन करते हैं पिछले कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन में, रादर करंट वीक के ट्रेडिंग सेशन में इवैल्यूएट करते हैं, तो सिचुएशन कुछ वैसी नज़र आती है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। अब आप देखिए दोस्तों, मैं इस जगह को एनलार्ज करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में आप क्या देख रहे हैं, ये दोस्तों वेरी वेरी स्मॉल बॉडी कैंडल, लार्ज लोअर शेडो, एक हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम में बनता हुआ नजर आ रहा है, जो एक एग्जॉशन का साइन है, अपसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट भी दर्शाता है। और दोस्तों प्राइस 12,900 से 13,000 का जो एक रेजिस्टेंस बैंड है उसके दौरान वो ट्रेड हो रही है, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस रेजिस्टेंस लाइन को देखें तो प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, और इसे आगे हम एक्सटेंड कर दें तो फिलहाल प्राइस कहीं ना कहीं उसके पास में ट्रेड हो रही है, जो क्लियरली विजिबल हो रहा है। और इस तरह का फॉर्मेशन स्मॉल बॉडी कैंडल विद अ लार्ज लोअर शेडो ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट इज अ साइन ऑफ एग्जॉशन, मींस करेक्शन ओवर ड्यू है दोस्तों। अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं प्राइस फार टू एक्सटेंडेड है ईएमआई 21 से, और हम देख सकते हैं मीन रिवर्शन प्रोसेस की शुरुआत होगी। तो दोस्तों यहां पर हम क्या संभावनाओं को देख सकते हैं कि यस 13,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। टू बी वेरी प्रिसाइज, आपको याद होगा कि एक दो दिन पहले वेव एनालिसिस करके 13,055 का लेवल निकल के आ रहा था, तो इसके 13,000 के ऊपर प्राइस हो सकता है मोमेंटरली चली जाए, बट वो सस्टेन नहीं करेगी। इसका मतलब करेक्शन ऑलमोस्ट तय है, कल होता है परसों होता है, ये मैटर ऑफ केवल टाइम हो सकता है। अब दोस्तों 13,000 इमीडिएट टर्म्स में अब रेजिस्टेंस है, और अगर सपोर्ट की बात करें तो इस जगह पे आप फॉर्मेशन देखिए दोस्तों, ये कैंडल जहां पर ये गैप अप होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर आया था, तो 12,735 का ये लेवल है जो कैंडल का हाई है 13th नवंबर 2020 की कैंडल का। और दोस्तों अगर यहाँ पर देखें उसके एक दिन पहले तो प्राइस का रिजेक्शन भी इसी लेवल से हुआ था। इसके अलावा अगर हम ये गैप अप ओपनिंग के बाद में देखें तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी 14th नवंबर की जो मुहूर्त सेशन के दौरान, वो था 12,800 के आसपास में। तो 12,735 से 12,800 इमीडिएट टर्म्स में एक सपोर्ट नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों जब करेक्शन होगा तो प्राइस इसके नीचे आएगी। फिलहाल मैं ये इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कल ऑप्शन चेन की एक्सपायरी का दिन है, तो कल संभावित रेंज क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर डिमांड है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं 12,700 से लेके 13,000 के बैंड के नीचे में निफ्टी की क्लोजिंग की संभावना हम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट के प्राइस एक्शन को समझने के लिए 21 मिनट्स के प्राइस चार्ट पर। अब 21 मिनट्स के प्राइस चार्ट पर ध्यान से देखें दोस्तों, तो पिछले एक घंटे में तीन कैंडल को ध्यान से देखें तो एक घंटे में बाइंग जरूर आई है दोस्तों, ये क्लियरली विजिट है, बाइंग आई है। और इस जगह के फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो 12,800 एक सपोर्ट नजर आता है, यहाँ बुलिश पिन बार है, और यहाँ पर आप देखिए 12,719 यहाँ पर आप लेवल देखिए, तो 12,800 एक सपोर्ट के रूप में ये मार्केट फॉर्मेशन के अनुसार नजर आ रहा है। यहाँ पर भी मल्टीपल रिजेक्शन था, फिर यहाँ पर सपोर्ट था, तो ये बैंड जो है ये डिमांड बैंड क्लियरली समझ में आता है। अब दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और उसके डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन में हम 19th नवंबर 2020 को जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, यानी कल दोस्तों, तो इसको हम रेफर कर रहे हैं। और पुट साइड में सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिनेरियो इमर्ज हो रहा है। तो दोस्तों एक अच्छा खासा बिल्टअप यहाँ पर है, लेकिन हाईएस्ट
ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो है 12,800 के स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कल 12,800 के डिफेंड होने के चांसेस बहुत प्रबल नजर आ रहे हैं। आज इसमें अच्छा खासा एडिशन भी हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और अब कॉल साइड में देखते हैं, कॉल साइड में क्या सिनेरियो नजर आ रहा है दोस्तों। तो कॉल साइड में दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो 13,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है, तो 13,000 एक रेजिस्टेंस है। तो मोरल एक्स दोस्तों, प्राइस एक्शन एनालिसिस और ऑप्शन गेन के डेटा एक ही दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ तक कल के रेंज रहने की संभावना हमें नजर आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है, ये एनालिसिस पसंद आई है, तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा इस वीडियो को। आप जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं हमें मिलता है मोटिवेशन, जो हमारे एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन डेली मार्केट अपडेट्स का आपके चैनल पे लाभ पहुंच सके, और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपके कमेंट्स का भी हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के इंतजार होगा दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।